सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज बैक टू बैक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आप लोगों की डिमांड के ऊपर के वीडियो बहुत कम बना रहे थे हम। आपको पता है दिल्ली के अंदर मौसम बहुत ज़्यादा चिल्ड है आजकल, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा वैसे ही बिजी रहता है। सो आज मैं आपको जो पालकी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पालकी प्लस पालकी के कारीगर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिन्होंने बनाया पूरा। एक कारीगर यहाँ पे भी खड़ा होकर मज़े ले रहा है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, इसको मोर वाली पालकी बोलते हैं और ये बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक है। अगर हम लुक की बात करें तो आप देखिए लुक, तो आज इसकी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो बताइए सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोनू है और ये भाई हमारे हैं आलम भाई। ये फाइबर का जितना भी काम है ये आलम भाई के आसपास है, ठीक है। और ये पालकी है हमारी, पूरी फोल्डिंग पालकी है। ये अपने मोर है, इसे आप अलग अलग कर सकते हो, 6 मोर हैं, अलग अलग इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी फोल्डिंग है और हमारा ये वाला इसका दिखाओ सीढ़ी वाला, ये सीढ़ी वाला ये पूरा फोल्डिंग है, इसे अलग सिंगल निकाल लो पूरा। तो आपका कहने का मतलब 6 मोर ही अलग हो जाएंगे, ठीक है, और साथ में ये सीढ़ी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, और पीछे वाला अपना जो बेस है, ये अपना पीछे जो सिंहासन है, सिंहासन वाला जो है जी, ये अपना पूरा फोल्डिंग है जी, इधर से भी फोल्ड है, बीच में से भी फोल्ड है, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं आराम से, कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी आराम से रख सकते हैं, ठीक है, पूरा फोल्डेबल है, राइट, ठीक है। और अपना ये जो बेस है, हाँ जी, ये हमारा बेस है 1 इंची पाइप में 12 किलो की लेंथ, पूरे लोनी में कोई नहीं लगाएगा, सब लगाते 7 किलो वाली लेंथ, सात भी नहीं लगाते, 5 किलोमीटर का देते हैं। सर ने कह के 12 किलो लगवाई है इसमें, कह के इससे भारी लेंथ कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे भारी लेंथ के अंदर ये पीस बना हुआ है, ओके, 12 kg की लेंथ है। इसकी चौड़ाई लंबाई बताइए। अच्छा, इसमें छोटा पीस भी बनता है, उसकी वीडियो क्लिप मैं डाल दूंगा। ये जो पीस है इसकी चौड़ाई और लंबाई बताइए। 10 फीट तो ये सामने का फ्रंट इसका 10 फीट है। ये जो बीच की ये है पात, इस कोने से लेके इस कोने तक ये 8 फीट है, उसके बाद 1 फीट का ये है, तो टोटल 10 ये है और 8 इसकी गहराई है, 8 फीट की इसकी अंदर की गहराई है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये पीस, आप देख सकते हो। और ये अपना ये बनाया जो बैठने का, ये भी फोल्डिंग है, इसे उठा सकते हो आप, कहीं भी रख सकते हो। अभी इसमें अभी प्लाई लगाई नहीं है, ये सर वीडियो बनाने के लिए करते इसलिए प्लाई नहीं लगाई है। अच्छा, इसको भी प्लाई लगाएंगे तो अभी इसमें रीपेंट मतलब थोड़ा सा ना, एक्चुअली ये खाली वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, ये वीडियो के लिए मतलब हमने कर दिया, तो आपको बिल्कुल ऐसा करके देंगे, नग बना के बिल्कुल जो है ना बहुत ही सुंदर, मतलब ये थोड़ी सी ओपन रखने की वजह से मिट्टी आ गई है, थोड़ी डस्टिंग साफ हो जाएगी, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये पीस। और बताइए सर, और क्या क्या बनाते हैं आप अपने यहाँ पे? और हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल पद्मावती पालकी बननी है, और एक अपनी राउंड वाली सर रूम हो जा रहा है, एक बार सभी उठाई सर, एक ही अपना ये राउंड वाली है, इधर गियर बॉक्स मोटर लगी हुई है, इसके ऊपर जैसे ये रखा हुआ है ऐसे ही लकड़ी की गोल पिलाई जाएगी, वो जो राउंड घूमेगा ऐसा, और इसके पीछे हम एक वो रखने वाले हैं, दिखाई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अच्छा, ये स्टैंड रखेंगे, अच्छा, ठीक है, और यहाँ बनाएंगे पर का हिसाब में, ओके, इसके अंदर ये उसके ऊपर रखा जाएगा, ये राउंड घूमेगा, ओके, ठीक है जी। और अपनी एक पालकी, एक अपनी छोटी पालकी वो बनती है, वो सामने दिखाओ, हमारे टायर हैं, वो टायर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी पालकी वाले के पास जाना आप, वो टायर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, छोटी पालकी बननी है अपनी वो, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने पोर्ट हैं, जिस भाई को पोर्ट की जरूरत हो, पोर्ट भी हमारे पास हर तरीके के पोर्ट हैं, ये देखो पोर्ट। पोर्ट की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 1000 रुपये से लेके, और फिर तो पार्टी के ऊपर बात है, 1000 रुपये से शुरुआत है हमारे पोर्ट की। तो मैक्सिमम जो वॉसेज हैं हमारे पास वो 1000 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, 1000 रुपये में। ये वाला वॉस आपको मार्केट के अंदर कोई 1500 में नहीं देगा, सिर्फ कंप्लीट डेकोर पे ये वॉस आपको मात्र 1500 रुपये में मिल जाएगा, एक्सट्रीम क्वालिटी। लास्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि कितनी ही अच्छी हमने क्वालिटी आपको दी थी, कितनी बेस्ट क्वालिटी पोर्ट को फेंक फेंक के दिखाया था, उसी लेवल का और उसी टक्कर का ये फाइबर है। जितना मर्जी आप इसे तोड़ो, बैठो, फेंको, इसका कुछ भी नहीं जाएगा, लात भी मार लो चाहे कुछ भी कर लो, इतना मजबूत ये लगाया गया है, ठीक है। अभी थोड़ी सी फिनिशिंग जब जाता है तब उसकी करते हैं। नीचे का आप पाइप देख सकते हो, बहुत ही
किसी कहते हैं ना हैवी पाइप लगाए हैं सब जगह पे, बहुत ही हैवी क्वालिटी का काम हुआ है। थोड़ी सी डस्टिंग हुई है जब इसकी जो है ना इसका जो फ्रेम है अपना वो 1.5 इंच के पाइप में है। मैंने सॉरी 1 इंच बोला आपको, वो 1.5 इंच की लेंथ है। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 1.5 इंच की लेंथ है, जो फ्रेम है ये 1 इंच पाइप लगा है और ये फ्रेम 1.5 इंच के अंदर लगा है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना ड्यूरेबल चीज है, बहुत ही मजबूत चीज है। कहीं पे भी आप चढ़ जाओ और कहीं से भी चढ़ के आप किसी भी तरीके से आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। क्वालिटी आप देखो, ये अपना पूरा इधर से फोल्ड हो जाता है, पीछे नट बोल्ट लग रहे हैं, नट बोल्ट खुल जाएंगे इसके। ये यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नट बोल्ट सिस्टम है, यहाँ से फोल्ड हो जाता है ये पूरा, देख सकते हो आप। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको डेकोरेटिव वेडिंग आइडियाज़ हैं, कोई भी नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसकी पालकी बना के आपको दे सकते हैं, थीम बना के उसकी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन और शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं। आपके शेयर से हमारे को, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अच्छा लगता है, पॉजिटिवनेस आती है उस चीज़ से। थैंक यू वेरी मच।